अगर आप झारपड़ा भुवनेश्वर के करीबन या आसपास में कुछ रेस्टोरेंट देख रहे हो लंच डिनर के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये रेस्टोरेंट जिसका नाम है मिर्च मसाला। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ द मिर्ची मसाला रेस्टोरेंट, जो कि है झारपड़ा फ्लाईओवर से आगे राधिका कॉम्प्लेक्स पे साइड में ही आपको मिल जाएगा। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। लुक्स पे मत जाइए मैं बोलूँगी, मुझे तो पहले देख के लगा, अरे ऐसा कुछ हाल है आगे का तो अंदर कैसा होएगा, पर मैं गलत थी। तो हमको बुक्स को फ्रंट से जज नहीं करना चाहिए वैसे बोलते। तो अभी मैं चलते हैं अंदर, तो देखते हैं एम्बियंस कैसा है और फूड कैसा है। आपको आना है नहीं आना है आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। तो अभी चलते हैं अंदर। लो जी, हम आ गए अंदर। लेफ्ट में उनका बिलिंग काउंटर है, फ्रंट में उनका किचन है एंड वॉशरूम है हाथ पर धोने के लिए, और ये है पूरा सिटिंग एरिया। जितना भी आपको दिख रहा है वही है, काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन है। एक्चुअली ये पुराना रेस्टोरेंट है पर ये रिनोवेट हो चुका है क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है हर रेस्टोरेंट में। खाने से अच्छा एम्बियंस होना चाहिए, मतलब खाना होना चाहिए उसके साथ एम्बियंस भी ज़रूरी हो गया है। तो अब बहुत अच्छे से वो इंटीरियर चेंज कर चुके हैं और साइड्स में जो पार्टीशन है आप उसके अंदर भी बैठ सकते हो, क्लोज नहीं है ओपन है। तो ये रहा पूरा इंटीरियर जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अभी लंच का टाइम था तो फटाफट लंच करते हैं, देखते हैं मैं लुक मेन्यू में क्या क्या है। मेन्यू आपको मैं दिखा देती हूँ, आप थोड़ा पॉज करके देख लेना। ये रहा द मिर्ची मसाला का मेन्यू। मेन्यू में काफ़ी लंबी चौड़ी मेन्यू है उनकी, काफ़ी सारी वैरायटीज ऑफ फूड है। सूप, स्टार्टर, वेज, नॉन वेज में मेन कोर्स सारा अवेलेबल है और बिरयानी भी अवेलेबल है। चिकन, मटन, प्रॉन आपको सारा यहाँ पे मिल जाएगा। आप पॉज करके देख लेना कि इतना बताना थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं सारा कवर नहीं कर पाऊँगी। मेन कोर्स जैसे साइड में दिख रहा है वेज नॉन वेज में है, बिरयानी भी है। नेक्स्ट टाइम मैं बिरयानी ट्राई करने वाली हूँ, तो मैंने आज बिरयानी ट्राई नहीं किया, मैंने कुछ अलग ट्राई किया है तो मैं आपको बताऊँगी। बने रहिए वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अभी क्या ऑर्डर किया है मैं बताती हूँ। तो हमारा ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा था, उससे पहले हमने पापड़ ऑर्डर करके खाना ही खा रहे थे। उसके टाइम हमारा मेन कोर्स आ गया। आप जैसे देख पा रहे हो ये है फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन। तो देख सकते हो क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, बाउल के साइज़ के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो क्वांटिटी तो मस्त है, दो जन के लिए आराम से पेट भर के आप खा सकते हो। तो ये रहा चिकन मंचूरियन, काफ़ी टेस्टी दिख रहा था और काफ़ी क्वांटिटी में ग्रेवी था क्योंकि मुझे ग्रेवी बहुत पसंद है। आप ग्रेवी होगा तो थोड़ा खाने में मज़ा भी आएगा, चाहे जो वो राइस खाओ या नान खाओ जो भी खाओ। एनीवे अभी मैं खाना खा के थोड़ी देर के बाद आपको मैं रिव्यू देती हूँ। भाई मुझे तो फूड बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी टेस्टी था। फ्राइड राइस में भर भर के वेजिटेबल्स थे और ग्रेवी भी काफ़ी अच्छा था चिकन मंचूरियन का। चिकन मंचूरियन काफ़ी टेस्टी था, इतना ग्रेवी था कि इसलिए हमको एक लच्छा मंगवाना पड़ा। लच्छा पराठा के साथ वो ग्रेवी बच रहा था तो उसको खाने के लिए हमने एक लच्छा पराठा मंगवाया। अनफॉर्चुनेटली लच्छा थोड़ा जल्दी जल्दी में शायद बना दिया, थोड़ा सा कच्चा था। उसके साथ हमने एक दही रायता मंगवाया था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि दही अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। उसके बाद वो थोड़ा सी स्वीट चावल दोनों होता है, थोड़ा सा आप मिर्ची भी डाल सकते हो, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके साथ हमने खाना फिर से दोबारा स्टार्ट किया और सीरियसली फूड मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ज़रूर आके यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। मैंने तो लंच में वही खाया, उसमें ही मेरा पेट भर गया, उसके साथ लच्छा आ गया, उसके बाद दोनों मिलके मैं तो पूरा फुल हो गई थी। तो क्वान्टिटी के हिसाब से दो जन के लिए जितना भी ऑर्डर किया था सफिशेंट इनफ था। डू विजिट योर एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। अभी मैं बताना चाहती हूँ मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मैं हाफ रही थी क्योंकि लंच में इतना खाना हैबिट नहीं है, थोड़ा थोड़ा लेके जाते हैं क्योंकि खाना अच्छा नहीं लगता। तो इतना खा के पेट भर गया, तो मैं बोलती हूँ टेस्ट वाइज एम्बियंस वाइज
ज़रूर डू विज़िट हेयर। आपके यहाँ पे फैमिली में या खुद ही आके यहाँ पे अपना डिनर लंच कुछ भी कर सकते हो, फैमिली मेम्बर्स को ला सकते हो। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। अभी थोड़ा मैं रेस्ट करके चलती हूँ ऑफिस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय बाय।